और इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग में बहुत ज्यादा हलचल तेज हो चुकी है। ताइवान से खबर मिली कि उसने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट से भी अत्याधुनिक मिसाइल तैनात कर दी है और ये मिसाइलें चीन के हमले को न सिर्फ रोक सकती है बल्कि चीन की मिसाइलों का कचूमर भी निकाल सकती है। ऐसा हथियार जो चीन को कर देगा तबाह, वो हथियार जिससे डर गए हैं चीन के कमांडर। ताइवान ने तैयार किया ड्रैगन के दांत तोड़ने वाला हथियार। शुद्ध हुआ तो चीन को ताइवान से मिलेगा करारा जवाब। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। चीन से ताइवान की किसी भी मामले में कोई तुलना नहीं है। कहां महाशक्ति बनने की होड़ में हार पर हार खाता चीन है, कहां छोटी सी आबादी के साथ सीमित सैनिकों वाला देश ताइवान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हौसले में जान होनी चाहिए, दुश्मन जरूर डरेगा। ताइवान यही कर रहा है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी चीन के सैनिकों का अभ्यास देखिए। चीन ने ताइवान को डराने, धमकाने और खौफ में रखने के लिए बॉर्डर पर एक्सरसाइज शुरू कर दी। चीन के जवान लेफ्ट राइट नहीं कर रहे, ताइवान को भून डालने का अभ्यास कर रहे हैं। शी जिनपिंग की ताइवान हड़पने की तमन्ना को ताइवान ने जोर का झटका दिया है। ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम में दो नए वेरिएंट को जोड़ा है। ये वेरिएंट स्काई बो 3 मिसाइल सिस्टम के हैं। विकसित किए गए नए मिसाइल का नाम स्ट्रॉन्ग बो 1 और स्ट्रॉन्ग बो 2 है। इसकी खासियत की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी हवा में किसी दूसरे मिसाइल या खतरे को भांपते ही ये उसे नष्ट कर देगा। इस मिसाइल को अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तरह माना जा रहा है। पैट्रियट मिसाइल की खासियत आपको आगे दिखाएंगे, पहले स्ट्रॉन्ग बी की स्पीड देखिए। ये मिसाइल 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई से आने वाले खतरे की पहचान कर उसे ध्वस्त कर देगी। स्ट्रॉन्ग बो की मिसाइलों को चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ताइवान की समाचार एजेंसी ताइपे टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि स्ट्रॉन्ग बो मिसाइलें अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट से भी ज्यादा उन्नत है। अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, लेकिन इसका भी कचूमर निकालने का दावा रूस कर चुका है। इस वक्त यूक्रेन में अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल प्रूफ नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी है कि ताइवान चीन जैसे देश को अपनी शक्ति से कई गुणा आगे जाकर जवाब दे रहा है। ये चीन के विस्तारवादी गिद्ध दृष्टि को जरूर कमजोर करेगा और शक्तिशाली देशों को सीख की धरती पर सबकी संप्रभुता एक जैसी है। ताइवान की तैयारी की ताजा तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ताइवान का स्ट्रॉन्ग बो इससे भी उन्नत बताया जा रहा है। पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का राडार 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान, 160 से 190 किलोमीटर की रेंज में बम वर्षक, 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल के वार हेड का पता लगा सकता है। स्ट्रॉन्ग बो मिसाइल ताइवान की जरूरत है, क्योंकि चीन जब भी ताइवान पर हमला करेगा सबसे पहले वो मिसाइलों का ही इस्तेमाल करेगा। ताइवान और चीन के बीच जमीनी युद्ध की नौबत शायद ही आए, लिहाजा ताइवान अपनी ताकत जमीन पर, आसमान में और पानी में भी बढ़ा रहा है। आपको आगे दिखाएंगे कि ताइवान की टोटल तैयारी कैसी है, लेकिन उसके पहले जिस पैट्रियट सिस्टम से ताइवान के नए हथियार स्ट्रॉन्ग बो के एडवांस होने की चर्चा हो रही है, वो पैट्रियट सिस्टम कैसा है? पैट्रियट
पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। इस सिस्टम को फायरिंग के लिए तैयार करने में 30 मिनट का समय लगता है। इसे फायर करने के बाद आसानी से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। पैट्रियट हाई लेवल की कमांड पोस्ट या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट से फायरिंग डेटा हासिल कर सकता है। ऑपरेशन के दौरान रेडार यूनिट और मिसाइल लॉन्चर मानव रहित होते हैं, यानी इन दोनों सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वहाँ किसी सैनिक के रहने की जरूरत नहीं होती है। इसके कमांड पोस्ट में बैठा ऑपरेटर एक कमांड से मिसाइल को लक्ष्य की ओर फायर कर सकता है। ताइवान की सारी तैयारियां चीन के ताकत के इस्तेमाल पर निर्भर करती हैं। ये चीन की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो ताइवान पर कितने जोर का हमला बोलता है। कहा जाता है कि अमेरिका के साथ के बावजूद ताइवान चीन के सामने 3 घंटा से ज्यादा नहीं टिक सकता। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिकी मदद ताइवान को कितनी देर में हासिल हो सकती है। अमेरिकी मिलिट्री अफसरों के मुताबिक अगर चीन किसी वक्त ताइवान पर हमला करता है और उसे घेर लेता है तो इन हालात में ताइवान की फौज के पास हथियार तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अमेरिका या कोई दूसरा देश रिस्क लेकर इन्हें नहीं पहुंचाता। मतलब ताइवान चारों तरफ से ना सिर्फ घिर जाएगा बल्कि बाकी दुनिया से कट जाएगा। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को मदद करता रहा है, अमेरिका चाहकर भी उस स्तर की मदद ताइवान को नहीं कर सकता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन और ताइवान में एक बहुत बड़ा फर्क है। ताइवान पहुंचने के लिए एयर या नेवल रूट ही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ यूक्रेन की तरह रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अमेरिकी पॉलिसी ताइवान में ही बम डिपो बनाकर हथियार का जखीरा खड़ा कर देना। कई मीडिया रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि ताइवान में सैकड़ों की तादाद में अमेरिकी सैनिक महीनों से मौजूद हैं। अमेरिका की सैनिक ताकत को देखते हुए ही चीन अब तक डिफेंसिव मोड में ही है। ताइवान के बॉर्डर पर अभ्यास तो करता है लेकिन ताइवान पर हमले की शी जिनपिंग ताकत नहीं दिखाती, जबकि चीन ताइवान के बीच कोई तुलना नहीं है। मिलिट्री बैलेंस 2022 IISS के मुताबिक चीन के पास कुल 20,35,000 सैनिक हैं, जबकि ताइवान की सेना में सिर्फ 1,70,000 सैनिक हैं। हथियारों में 3,000 लड़ाकू विमान चीन के पास हैं और ताइवान 500 विमान रखता है। चीन 5,500 टैंक रखता है तो ताइवान सिर्फ 650 के साथ अपनी रक्षा कर रहा है। चीन के पास 59 पनडुब्बी है जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 है। तोप की बात करें तो चीन के पास 9,000 से ज्यादा तोपें हैं और ताइवान के पास महज 2,000 तोपें हैं। मतलब ताइवान और चीन के बीच कहीं कोई समानता नहीं है, लेकिन ताइवान फिर भी पूरे जज्बे और हौसले के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। ताइवान से भी एक्सरसाइज की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ताइवान को चीन के जो दुश्मन देश हैं उन पर भी भरोसा है कि वो युद्ध की सूरत में उनका साथ देंगे। जैसे ताइवान पर उसके हमले में अमेरिका, जापान या दक्षिण कोरिया अलग अलग या एक साथ मिलकर ताइवान को मदद कर सकते हैं, और इन हालात में चीन पर एक साथ 4 देश हमला करते हैं तो ड्रैगन को ये बहुत महंगा पड़ सकता है। असल में शी जिनपिंग ताइवान पर हमले के लिए क्यों मचल रहे हैं, इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो इसके बाद चीन के हौसले भी बढ़ गए। उसे लगा कि अगर रूस कभी अपना हिस्सा रहे यूक्रेन पर हमला कर सकता है तो चीन अब ताइवान के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन चीन के इरादे अमेरिका और ताइवान दोनों भांप गए। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि ताइवान उनके संरक्षण में है और ताइवान ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी कि चीन हमला करेगा तो क्या करना है, खुद को कैसे बचाना है। स्ट्रॉन्ग बो मिसाइलों का निर्माण इसी राह में एक और मंजिल है। चीन और ताइवान के विवाद का अंत कभी नहीं होना है, ऐसा कहने का आधार समझना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ सकेंगे कि दुनिया में कोई भी देश ताइवान की चीन के खिलाफ कितनी मदद कर सकता है। चीन का दावा है कि ताइवान चीन का ही एक प्रांत है, जबकि ताइवान इसे मानने से इनकार करता रहा है, अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण मानता है, जो कि अमेरिका तक ताइवान को अलग देश नहीं मानता, लेकिन ताइवान को चीन के खिलाफ हथियारों की मदद जरूर करता है क्योंकि इसे लाखों डॉलर की आमदनी होती है। ताइवान को कुल 13 देशों ने एक संप्रभु देश के तौर पर स्वीकार किया है, जिसमें बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, मार्शल द्वीप समूह, नाउरू, पलाऊ, पैराग्वे, सेंट किट्स और नेवेस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस और तुआलु शामिल हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 16 सदस्य भी आंशिक रूप से ताइवान को एक राज्य के रूप में मान्यता देते हैं।